हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके लीडिंग न्यूज़पेपर में से होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है दोस्तों मंडे और मंडे को हम लोग 2 दिन का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं, जिसमें संडे का भी होता है और मंडे का भी होता है। ऑलराइट, तो सुबह के 7:10 के आसपास है जो कि हो चुके हैं और होपफुली आपको हमेशा की तरह बहुत मजा आने वाला है। बहुत कुछ है जो कि आप लोग सीखने वाले हो। जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ संडे में से और मंडे में से हमें देखने को मिलेगी, वो सारा हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं, है ना। ऐसा कुछ भी न्यूज़ है जो कि नहीं होता, जो कि मैं छोड़ता हूँ किसी भी तरीके से। कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि आपके लिए रेलिवेंट है, वो हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, तो सबसे पहले तो सैटरडे को जो है मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे वो कवर करेंगे, उसके बाद में है ना कुछ कोर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद में संडे का न्यूज़पेपर और उसके बाद में हम लोग मंडे के न्यूज़पेपर के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे यमुना रिवर की लेंथ है जो कि पूछी थी, क्योंकि हम लोगों ने जो यमुना के अंदर जो हालात है, पॉल्यूशन है, उसके बारे में चर्चा करी थी सैटरडे को। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था मैंने कि लेंथ यमुना की क्या है, जो कि सभी को मालूम होगा 1376 है। फर्स्ट गरुड एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, गरुड, वरुण और शक्ति। तो ये कब कहां पर करवाई गई थी, तो ये जोधपुर के अंदर ग्वालियर में करवाई गई थी। अभी रिसेंटली कहां पे हो रही है, रिसेंटली जोधपुर के अंदर है जो कि इसको करवाई जा रही है। फर्स्ट जो करवाई गई थी ये 2003 के अंदर करवाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने कमिटी बनाई है सीएस मूर्ति के अंडर में। तो कितनी कमिटीज है जो कि बनाई गई है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहां पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था कितने टीबी केसेस है जो कि 2021 में इंडिया में नोटिफाई करे गए हैं। तो आपको मालूम है काफी ज्यादा है, 21.4 थाउजेंड, है ना, काफी ज्यादा है। मतलब 20,000 तो नहीं होगा, क्या लाख में है, मतलब 21 लाख के आसपास होंगे मेरे ख्याल से, है ना, 20-21 लाख के आसपास जो है, 2 मिलियन के आसपास केसेस है जो कि होंगे। नेक्स्ट है भूत कोला, ये एक डांस है जो कि मैंने आपको बताया था, है ना, जो कि नॉर्मली कर्नाटका में ज्यादा, उसके अलावा थोड़ा बहुत तमिलनाडु और केरला में भी देखने को मिलता है। लोकल ट्राइब्स है जो कि ये परफॉर्म करती है और ये कन्नड़ के अंदर दोस्तों बहुत ही फेमस है, है ना। इसके अलावा करंट अफेयर बैच के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि चल रहा है क्लास 24 पे, मात्र 499 रुपीज के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया के सारे एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर में 1 साल का आपको कवर करवा रहा हूं। 1 साल का करंट अफेयर है, एग्जाम ओरिएंटेड है, 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है दोनों ही लैंग्वेजेस में, और वीकली टेस्ट भी आप लोगों के लिए यहां पे करवाया जाता है। ब्रह्मास्त्र सीजीएल की बैच की बात करें तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी और साथ में एफसीआई की भी तैयारी आपको करने को मिल सकती है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं। इंडिया की बेस्ट टीम आपको पढ़ा रही है और आज जीडी का बैच भी लॉन्च होने वाला है शाम के टाइम पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एक इवेंट के अंदर जहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्लास 24 ऐप आपको डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, एसएससी में जाना है, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सीजीएल की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी बनाई गई है, आप जाके ज्वाइन करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक फ्री टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल है, पीडीएफ के लिए आप क्लास 24 ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एक बच्चे की एजुकेशन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके, एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के थ्रू 500 रुपए पर मंथ में, या फिर वॉलंटियर भी बन सकते हैं। आज के कोट ऑफ द डे के बारे में जानते हैं। अ ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट वन कैन टेक इट अवे, नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। देखो ऐसा होता है ना कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि आप कितने अच्छे फिटनेस फ्रीक हो, आपकी हेल्थ खराब होती होती है। आप कितने ही अमीर हो, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते ही आते हैं, है ना। आप चाहे कितने अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हो, रिलेशन खराब होते ही होते हैं। अक्सर ये सब चीजें अप्स एंड डाउन चलती रहती है, लेकिन कभी आपने एक चीज सोची है कि लाइफ में 2 चीजें ऐसी होती है जो कि शायद इस दुनिया में आप किसी भी बुरी कंडीशन में हो वो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक और बुक्स। जब मैं मेरी लाइफ के बहुत ज्यादा डाउन फेज में था, व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग, और बहुत बुरा टाइम चल रहा था जो कि सबके लाइफ में कभी ना कभी आता है, तो मेरे को सच में ऑनेस्टली मेरे को जो अपलिफ्ट करने में एक बहुत बड़ा जिसका रोल था ना, वो म्यूजिक का रोल था, है ना। उस टाइम पे मैं गिटार प्ले किया करता था, आई हैड अ बैंड नेम न्यू डिवाइन नाम से, तो मैं इतना म्यूजिक में इन्वॉल्व रहता था कि जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना उसको मुझे टैकल करने में बहुत ही आसानी हुआ करती थी। यकीन मानिए, आप कैसे भी फेज में हो, कितने भी बुरे फेज में हो, आपको कोई भी
आपसे कनेक्ट नहीं हो, कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहा हो, लेकिन बुक्स कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी जिंदगी भर, और म्यूजिक है जो कि अभी कभी आपको छोड़ के नहीं जाता। ये दोनों चीजें ऐसी हैं, चाहे आपकी हेल्थ कैसी हो, चाहे आपका मेंटल स्टेट कैसा हो, चाहे आपके रिलेशन कैसे हो, आपके पॉकेट में पैसा हो कि नहीं हो, ये दो चीजें आपके साथ हमेशा रहती हैं। तो मेरी हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि इन दोनों में से एक चीज हमेशा अपने पास में रखा करो, है ना। लर्निंग की कोशिश क्या करो, सीखने की कोशिश क्या करो, क्योंकि ये चीज आपसे कोई ले नहीं सकता, है ना। आपसे कोई कुछ भी ले सकता है, लेकिन आपके आपसे लर्निंग, आपने जो सीखा है, वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता। दूसरा, जब बुरा फेज आता है तो म्यूजिक आपको बहुत हेल्प करता है, साइंटिफिकली भी बहुत हेल्प करता है, और ये तो मेरे खुद के लाइफ के फेजेस रहे, है ना। तो आप इनमें से यूज एक चीज अपने पास हमेशा रखा करो, इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ, आपको पूरी जिंदगी हेल्प करेगा। जब भी ऐसा कोई फेज आएगा, तब आप बहुत गुस्सा आए, तब आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, ओके, तब ऐसा होता है। अच्छा टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि ठीक है सब कुछ सही हो रहा है, वो अच्छा टाइम ऐसा होता है कि बोलते ना, जो चीज आप करते हो सही हो जाती है, और जब बुरा टाइम होता है, जब कितना ही कोशिश करते हो नहीं हो पाता फिगर आउट, लेकिन उस फेज में भी आपको खुश रहना जरूरी होता है, सीखते रहना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उस फेज को निकाल पाते हो। तो उसके लिए कुछ चीजें आपको जरूर जिंदगी में हेल्प करती है। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज से बहुत कुछ सीखेंगे। आगे बात करते हैं संडे के न्यूज़पेपर को लेकर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है संडे का न्यूज़पेपर है, और यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रंट न्यूज है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे एक राइस की वैरायटी के बारे में बात करेंगे, है ना, काला नमक राइस, जो कि बहुत ही स्मॉल और अभी स्ट्रांग है, जो कि बनाई गई है, बहुत ही अमेजिंग न्यूज है। यहाँ पे आईटी रूल्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं, तो वो बोला गया है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि वेब के ऊपर जो वेब सर्फ जो करते हैं उनको बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे चाइना जो है दोस्तों लद्दाख के अपोजिट की तरफ रोड का कंस्ट्रक्शन धमाधम कर रहा है, वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा ये गुजरात के इलेक्शंस आने से पहले दोस्तों गुजरात ने अनाउंस किया है कि वो एक पैनल बना रही है जो कि स्टडी करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। यहाँ पर छठ पूजा को लेकर बताया गया है, जो कि अभी रिसेंटली गई है, और जम्मू कश्मीर को लेकर बताया गया, एक नंदीग्राम नंदी मार्ग के अंदर एक मैसाकेर हो गया था कुछ टाइम पहले, काफी लोगों का मर्डर हो गया था, उसी को लेकर बताया गया। और यहाँ पे दोस्तों कुछ लेसन है जो कि कर्नाटका के टेक्स्ट में से हटा दिए गए, उसके बारे में बताया गया है। तो हमारे लिए जो बात इंपॉर्टेंट है वो एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक यहाँ पे एक राइस की वैरायटी, ये दो न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज, एक बार वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। चलो, तो सबसे पहली सबसे एक इंपॉर्टेंट बात देखो, ये जो काला नमक राइस है ना, ऐसा माना जाता है कि काला नमक राइस जो है ये यूपी बिहार बेल्ट के अंदर गौतम बुद्ध के द्वारा प्रमोट करी गई थी। गौतम बुद्ध जब यहाँ पे आए थे ना शारावस्ती वाले रीजन के अंदर, तब उनके द्वारा खुद के द्वारा ये गिफ्ट दिया गया था वहां के लोगों को, ताकि वो क्या कर सके, पैडी का राइस का जो है वो प्रोडक्शन कर सके और अपना जीवन व्यापन जो है वो अच्छे से कर सके, समझ गए। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो कि मानी जाती है ना। आपको मालूम है गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा लेक्चर कहाँ पे दिए थे, शारावस्ती में दिए थे। तो यहीं पर ही दोस्तों इसके जो सबसे पहले जो इसके सीड्स थे, वो ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा डोनेट है जो कि वहां की जनता को करे गए थे, समझ गए। उसके बाद से इसका प्रोडक्शन जो है वो काफी होता है, आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर के ऊपर का जो टॉप होता है ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये ट्रेडिशनल वैरायटी होती है जो कि बहुत ही फेमस है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, समझ गए। और बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसकी, काफी इसको एक्सपोर्ट भी करते थे, बहुत सही चल रहा था। लेकिन अब हो क्या गया है, ओवर द ईयर्स जो है ना वो क्या हो गया है कि वक्त के साथ चीजें बदलती है। तो अब क्या हो गया कि जो काला नमक राइस है ना, ये उसके जो ऊपर के जो पार्ट है ये तो बहुत ज्यादा हैवी हो चुके हैं, और जो इसके स्टेम्स होते हैं ना ये बहुत वीक हो चुकी है। तो ये ऊपर का पार्ट हैवी होने की वजह से और स्टेम वीक होने की वजह से ये गिर जाता है, तो यानी कि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय था, क्योंकि ये जो राइस है ये इसकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और काफी इसको यूज किया जाता है और गिफ्ट के तौर पे माना जाता है इस एनलाइटमेंट के बाद में, जो है ना इस रीजन के लोगों को जो है ये दिया गया था। तो नियर बाय जो तेराई रीजन होता है, तेराई रीजन जो होता है ना बिल्कुल माउंटेन के जो नीचे वाला पार्ट होता है, तो जहां पे एग्रीकल्चर जो है वो काफी अच्छा भी होता है, तो ये जो रीजन है वो नेपाल और इंडिया वाला जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है ना, वहां पर इसको काफी ग्रो किया जाता है, उत्तर प्रदेश में मेजरली और मेजरली नेपाल के अंदर, दो जगह के ऊपर, और बहुत ही ट्रेडिशनल वैरायटी है मतलब। लेकिन अब इसका प्रोडक्शन कम हो गया है, इसीलिए दोस्तों क्या हुआ था कि जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने क्या किया, उत्तर प्रदेश के साथ में मिलकर इसकी दो नई वैरायटीज बनाई है, ताकि वापस से इसका प्रोडक्शन है जो कि हम लोग कर सकें, समझ गए मेरी बात।
तो वापस से हमने दो वैरायटीज बनाई है। दो वैरायटीज का नाम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो नाम रखा गया है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और एक और नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक जिसका नाम है 1652। अब आप बोलेंगे सर ये नरेंद्र वर्ड बीच में क्यों यूज किया गया है, पूसा नरेंद्र काला नमक 16538 और 1652 ये दो वैरायटीज है जो कि बनाई गई है। तो नरेंद्र नाम इसमें बीच में इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन्होंने आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में मिलकर ये काम किया है, तो इसीलिए उस यूनिवर्सिटी को डेडिकेट करने के लिए नाम है जो कि यूज किया गया है। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कहां पर है, ये आपको अयोध्या के अंदर मिलेगी, तो उनके साथ में मिलकर है जो कि ये काम किया गया है। समझ गए, हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन जो कि वापस से बेहतर आ जाए, वापस से अच्छा हो जाए। तो ये देख सकते हो इस तरह की राइस है ब्लैक कलर की जो ये देखने को मिलती है, इसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जिंक का कंटेंट बहुत अच्छा होता है ना, और फिगनेस जो है इसकी बहुत ही अच्छी होती है। तो ओवर द ईयर जो है वो क्या हो गया था, काफी कम हो गई थी इसकी वैल्यू। तो जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है ना, कहां पर है न्यूट्रिशन का नेशनल इंस्टीट्यूट, ये अपने हैदराबाद के अंदर है, तो उन्होंने जो है ना इसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी और उसकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो चेक करी कि पिछले 50 साल पहले क्या थी अब क्या थी, तो अब वो काफी कम हो गई है। ओके, और अब जो नई वैरायटीज बनाई गई है इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट भी अच्छा है, ये टॉलरेंट भी होगी डिजीज से, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, कुकिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी है ना इस वजह से, और इसकी वैरायटी जो है फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो भी बहुत लो है, यानी कि इसको जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसको काम में ले सकते हैं, तो काफी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो कि आपको देखने को मिलेगी। समझ गया मेरी बात। हमारे यहाँ पे दोस्तों राइस की वैरायटीज की बात करें तो देखो पूरी दुनिया भर में 15 से 16 राइस की वैरायटीज होती है, हमारे यहाँ पे मेजरली तीन क्वालिटीज है जो कि राइस की प्रोडक्शन करते हैं। हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है वो राइस का मेजरली प्रोडक्शन करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं है ना ये वाला जो पूरा पार्ट है, क्योंकि राइस को क्या पानी बहुत चाहिए होता है, तो जहां पे पानी होगा वहीं पर ही चावल उगेगा। गेहूं को कम चाहिए होता है पानी, इसलिए गेहूं इस वाले रीजन में आपको गेहूं ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ गए, तो राइस इसीलिए कोस्टल एरियाज पे खाते हैं क्योंकि पानी बढ़िया होता है, कल्टीवेशन अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो तीन तरीके की है, अगाहनी अमन है, एक खौरी करके है, एक बोरो करके है, तो ये तीन क्वालिटीज है जो कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। समझ गए मेरी बात। और भी कई सारी वेराइटीज है जो कि हमने ओवर द टाइम पे डेवलप करी है। टेम्परेचर इसको 22 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, तो बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी वाले एरिया में राइस कम होती है। रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर, क्ले और लॉमी सॉइल चाहिए होती है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बाकी जो तीन वैरायटीज हैं वो आपको असम, वेस्ट बंगाल सब जगह पे मिलेगी। पूरी दुनिया में बात करें तो चाइना दोस्तों नंबर वन के ऊपर है और हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन में देखने को मिलेंगे। समझ गया, उसके बाद में कौन से रीजन आते हैं, एशियन कंट्रीज है जो कि प्रोडक्शन में आते हैं। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि आपको राइस के बारे में पता चल गया होगा। चलो ठीक है, एक बाबा रजत भट्ट जी जो है वो काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। यार इतनी प्रॉब्लम कहाँ होती है ढूंढने में, अगर आप भुवनेश्वर लिखोगे तो गूगल पे वीडियो आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर, कौन सा वीडियो कहाँ पर अभी मेरी क्लास चल रही है। चलो कोई बात नहीं, फाइनली यू हैव फाउंड मी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों गुजरात को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है इलेक्शन आने वाले हैं, वापस से ताबड़तोड़ मचने वाली है, वापस से दोस्तों काफी सारे मुद्दे होंगे, काफी सारे एंटरटेनमेंट आने वाला है। लेकिन उस एंटरटेनमेंट से पहले दोस्तों अभी रिसेंटली लास्ट कैबिनेट की मीटिंग है जो कि इलेक्शन से पहले हुई है, और यहाँ पे दोस्तों बात करी गई गुजरात के गवर्नमेंट के द्वारा एक पैनल बनाया गया है, प्रपोजल बनाया गया है कि एक कमिटी बनाएंगे और वो कमिटी क्या करेगी, एग्जामिन करेगी कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि लगाया जा सकता है। इससे पहले दोस्तों सेम बात जो है वो उत्तराखंड के द्वारा भी बोली गई थी। इस कमिटी को हेड कौन करेगा, कोई भी रिटायर्ड जो हाईकोर्ट जज होगा है ना, वो इसको क्या करेगा, इसको कमिटी को हेड करेगा, और 3 से 4 इसके अंदर मेंबर भी जो है वो बनाए जाएंगे। अभी आज के टाइम पे दोस्तों रिलीजन को लेकर काफी मुद्दा चल रहा था, तो इसीलिए एक तरीके से ट्रम्प कार्ड है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा खेला गया है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, यानी कि सारे रिलीजन को हम लोग समानता के साथ में, बिल्कुल समानता के साथ में हम लोग देखने वाले हैं। समझ गए मेरी बात। तो ये कॉमन लॉ, अब काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो हमारा मोटिव यही है इस आर्टिकल में जानने का कि हम लोग इसके बारे में समझे। तो उत्तराखंड के बारे में भी ये बात बोली गई थी कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, हिमाचल प्रदेश के बारे में ने भी ये बात है जो कि बोली थी। कांग्रेस के द्वारा इसको गिमिक है जो कि कहा गया है। गिमिक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, बोलते ना कि गिमिक होता है ना कि यार ये तो गिमिक दे रहा है, मतलब
किसी चीज को कुछ और दिखाना, उस चीज को गिमिक कहते हैं इंग्लिश में। तो ये अपोजिशन के द्वारा बोला गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझने की कोशिश करें। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हिंदू जो भी हमारे है ना संप्रदाय है, तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से चलते हैं, है ना। उनका जो भी शादी होती है, बच्चों का मेंटेनेंस, डाइवोर्स का मैटर, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हिंदू लॉ के हिसाब से चलते हैं। हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन, ये तीनों एक तरीके से होते हैं। क्रिश्चियनिटी के अलग बने हुए हैं, मुस्लिम लॉ अलग बने हुए हैं। तो सब अपने अपने जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, जो आपके आपसे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं ना, पर्सनल मैटर्स, वो सारे रीजन के हिसाब से हमारे कंट्री में चलते हैं, समझ गए। इसके इतिहास में हुआ क्या था कि जब आपको मालूम है 1857 के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने रिलीजन के साथ में खिलवाड़ करने की थोड़ी कोशिश करी थी, आपको मालूम है ना, वो गाय का मीट और सुअर का मीट जो है वो कार्टिलेज में यूज किया था, उसकी वजह से तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ी थी, है ना। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि देखो भाई, इंडियंस के रिलीजन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना तो कभी भी जो है हमें निकाल के फेंक देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि भैया जो जैसे रिलीजन है उसके हिसाब से अलग अपने लॉज बन जाएंगे और वो उस हिसाब से गवर्न हो जाएंगे। तो ये थी वो दोस्तों प्री इंडिपेंडेंस, जब कॉलोनी हमारे देश जो है वो हुआ करती थी। उस टाइम पे क्वीन ने 1859 में है ना एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें बोला था कि भाई हम लोग एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस करेंगे इंडिया के रिलीजन मैटर को लेकर। तो रिलीजन मैटर बहुत ही खतरनाक मैटर था, आज भी है, पहले भी था। तो क्विन ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया हम तो नहीं करेंगे आपके रिलीजन के अंदर इंटरफेयर। लेकिन दोस्तों जब देश आजाद हुआ, तब हमें जरूरत पड़ी कि सारे के सारे लोग एक समान कानून के साथ में आगे बढ़े। ओके, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर साहब, सबने ये बोला कि हमारे देश में सभी लोगों को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से गवर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मुस्लिम अलग चल रहे हैं, हिंदू अलग चल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे सांप्रदाय के लोगों के द्वारा क्या किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, है ना। सारे के सारे सांप्रदाय वाले जो भी लीडर्स हैं वो सब आ गए, नहीं 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 हम तो अलग अलग हिसाब चलेंगे। नेहरू जी, पटेल जी और क्या नाम है अंबेडकर जी, सबको ये बात माननी पड़ी। तो उस टाइम पे इसको नहीं डाला गया, और इसको डीपीएसपी में दोस्तों डाला गया आर्टिकल 44 के अंदर, और ये बोला गया कि आने वाले टाइम पे हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए देश में, देश में ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि ये इंप्लीमेंट हो जाए। तो आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में इसको डाल दिया गया, समझ गए। फिर बाद में उस जमाने में क्या, और भी हिंदू के अंदर भी कई सारे वो थे, अलग अलग लॉज थे, तो उनको तो कोडिफाई कर दिया गया था, है ना। लेकिन मुस्लिम वाले जो थे वो कोडिफाई जो है अभी तक सिंगल में नहीं हो पाए, तो वो दोनों एक नहीं हो पाए एक्चुअली, और वो आज तक नहीं हो पाया उसके बाद में, समझ गए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आर्टिकल 44 में आपको देखने को मिलेगा, और इसका मतलब क्या होता है कि सारे सिटीजन जो है वो सेम सेट ऑफ पर्सनल लॉ को फॉलो करेंगे। ओके, अब इसकी नीड क्या है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ऑब्वियसली सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है। आप कौन से रिलीजन में पैदा हुए हैं उससे आपको अलग ट्रीट नहीं किया जाता है, है ना। जेंडर जस्टिस देखने को मिलता है, और लॉ जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाई होते हैं, है ना। राम रहीम दोनों के लिए सेम लॉ है, बात खत्म। ओके, इसके ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, कम्युनियल प्रॉब्लम होने के चांसेस है जब इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेट को वोटिंग की प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन है जो कि इनिशियली देखने को मिलेगा। अब जैसे कि कौन कौन से कानून गवर्न होते हैं इसमें, जैसे कि आपके जो भी पर्सनल मैटर्स है, डाइवोर्स का मैटर है, मैरिज का है, जैसे कि मुस्लिम में तीन शादी अलाउ है, तीन चार टाइप अलाउ है, वैसे ही हिंदू में नहीं है, है ना। डाइवोर्स के मैटर अलग है, मेंटेनेंस के अलग है, ओके, इनहेरिटेंस के अलग है, अडॉप्शन के अलग है, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी के अलग है। तो ये सब चीजों को सिंगल है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कर देता है। अब थोड़ा सा गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखते हैं। गोवा एकमात्र राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर रखा है, समझ गए मेरी बात। अब देखते हैं गोवा में दोस्तों कैसे रेगुलेट होता है। यहाँ पे बहुत ही प्रोग्रेसिव लॉ है, यहाँ पे बिल्कुल इक्वल डिविजन किया जाता है आपके इनकम के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। और अगर मान लीजिए लड़का और लड़की भी है, तो भी दोनों के बीच में फादर इक्वली प्रॉपर्टी है जो कि डिवाइड करेंगे, बिल्कुल जेंडर इक्वल, है ना। एवरी बर्थ, मैरिज और डेथ, उसको कंपलसरी होता है रजिस्टर्ड करना। और डाइवोर्स के मैटर के अंदर भी कई सारे प्रोविजन है, और जो सबके लिए समान माने जाते हैं। ओके, मुस्लिम्स को भी रजिस्टर करवाना पड़ता है अपनी मैरिज को गोवा के अंदर, वो पॉलीगैमी मल्टीपल शादी नहीं कर सकते हैं, और ट्रिपल तलाक से दोस्तों डाइवोर्स भी नहीं दे सकते हैं। कोर्स के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पे सारी जो प्रॉपर्टी और जो वेल्थ होती है ना, वो कपल के बीच में ही कपल की ओन होती है। ओके, और जब भी डाइवोर्स होगा तब क्या होगा, हाफ द प्रॉपर्टी है जो कि अगले के केस में चली जाएगी, समझ गए मेरी बात। चलिए, इसके अलावा बच्चों वाले केस में भी सेम है,
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, अगर किसी की डेथ हो जाए तो उनके बच्चों को जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, तो बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो काफी ठीक है मेरे ख्याल से, है ना। तो इसीलिए इसको पूरे कंट्री में भी लागू करने की जरूरत है। इनफैक्ट इसमें जरूरत क्या है कि जो अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही पूरे कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म लॉ है जो कि इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज द मोर बेटर एंड रेलिवेंट वे, ताकि पूरे देश में एक साथ ही यूनिफॉर्मिसिटी आ जाए। लेकिन क्या है कि ये भी एक पॉलिटिकल इशू है, तो हर स्टेट अपने अपने इलेक्शन के टाइम पे इस मुद्दे को लेता है लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं करता है। इतने साल हो गए जबकि इसको इंप्लीमेंट होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 की। पेज नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और यहाँ पे जौहर कप है जो कि जीत लिया, बहुत ही अमेजिंग है, काफी लंबा मैच चला ये सुल्तान ऑफ जौहर कप, बहुत ही फेमस कप है ये, और ये जो अपने ठीक है जूनियर टीम है वो इस टूर्नामेंट को खेलती है, तो 3-3 से बराबर हो गए थे, उसके बाद मल्टीपल टाइम शूट आउट हुआ तब जाके रिजल्ट है जो कि आया, तो दो बार के चैंपियन है हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर, पेनल्टी शूट आउट में हमने सुल्तान ऑफ जौहर कप के अंदर 5 साल से हम लोग जीत नहीं पा रहे थे, तो उस चीज को हमने यहाँ पे खत्म कर दिया और हमने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं सुल्तान ऑफ जौहर कप जूनियर टीम खेलती है, 2011 में इसकी शुरुआत हुई, मलेशिया में होता है ये, और इंडिया ने इसको थर्ड टाइम इस टाइटल को जीत लिया। ओके, इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ने इसको 3-3 बार इस टूर्नामेंट को जीत रखा है। आगे स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो पेज नंबर 15 दोस्तों, ये संडे का न्यूज़पेपर है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, हाँ यहाँ पे बात करेंगे वसीम अकरम को लेकर, तो वसीम अकरम की दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि आ रही है, और ऑटोबायोग्राफी के अंदर वसीम अकरम ने क्या किया है, एडमिट किया है कि वो एक बार कोकेन के एडिक्ट है जो कि हो गए थे, उसके बाद में आपको मालूम है कि कभी भी किसी भी स्पोर्ट्समैन की या किसी भी पर्सन की ऑटोबायोग्राफी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एक आधी कॉन्ट्रोवर्शियल 4-5 चीजें चाहिए होती है जिससे किताब थोड़ी बिक सके, सेल हो सके, है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो झूठ होता है लेकिन हाँ कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर होता है। तो इसके अंदर भी वसीम अकरम ने काफी बड़ी बात बोली है कि जब इनकी पहली वाइफ थी उसकी डेथ होने के बाद में, जब ये रिटायर हो गए थे उसके बाद में काफी कोकेन एडिक्ट जो कि हो गए थे, तो ये काफी बड़ी बात है, इतने बड़े स्पोर्ट्समैन जब इस तरीके की बात बोलते हैं तो आप समझ सकते हो ना कि मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, उसके ऊपर ध्यान रखना कितना जरूरी है वो यहाँ पे बताया जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद में काफी बुरा फेज है जो कि इन्होंने देखा था। इनकी किताब का जो नाम है वो है सुल्तान एम मेमोरियल, ठीक है, ये इनकी अपकमिंग ऑटोबायोग्राफी है, ऑलराइट, सुल्तान नाम से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, और भी कई सारे स्पोर्ट्समैन है उनकी कई सारी ऑटोबायोग्राफीज आ चुकी है, उनके ऊपर बुक्स आ चुकी है जो कि पेपर में कई बार पूछी जाती है, जैसे कि अभिनव बिंद्रा की बात करें, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, क्या नाम है, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ठीक है, ये किताब का नाम है। कपिल देव की मालूम ही है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, मिल्खा सिंह की रेस ऑफ माई लाइफ, पीटी उषा गोल्डन गर्ल, सचिन की बहुत ही फेमस है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स, सुनील गावस्कर सनी डेज, है ना, संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट, मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, मोहम्मद अली, रिकी पॉन्टिंग एट ए क्लोज ऑफ प्ले, शेन वॉन नो स्पिन, लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड, शाहिद अफरीदी गेम चेंजर, पता नहीं गेम चेंजर क्यों रखा है, 2-4 मुश्किल से 400 गेम में गेम चेंज करे होंगे शाहिद अफरीदी ने। ओके, विश्वनाथ आनंद की माइंड मास्टर, और पीवी सिंधु की है शटलिंग टू द टॉप। ओके, तो ये सारे फेमस स्पोर्ट्समैन की बुक्स हैं जो कि अभी कुछ टाइम पहले से देखने को मिलती है। ऑलराइट, इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी कुछ खास है नहीं, और द हिंदू के बारे में बात करेंगे तो द हिंदू के अंदर आपको आज के द हिंदू में सबसे पहले तो आपको दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट जो कि गुजरात में देखने को मिला जिससे काफी ट्रेजिक रहा दोस्तों, काफी लोगों की डेथ हो गई। एक्चुअली यहाँ पे दोस्तों ब्रिटिश टाइम का एक पुल है, है ना, माचू रिवर के ऊपर एक पुल है, तो यहाँ पे इस पुल को जो है ना सस्पेंशन ब्रिज है एक्चुअली, है तो ये सस्पेंशन ब्रिज काफी पुराना है और इसको अभी कुछ टाइम पहले रिपेयर किया गया था, रिपेयर करने के कुछ दिन बाद इसको ओपन किया गया और कई लोग इस ब्रिज के ऊपर थे, है ना, 4 दिन के हुए थे इसको रिपेयर करने में, और 350 लोग दोस्तों ये जो ब्रिज था वो टूट गया जिसकी वजह से 350 लोग डूब गए जिसमें 40-50 लोगों की डेथ हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिला, है ना। इसके अलावा ब्राजील के इलेक्शंस के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे डीएनए टेस्ट की डिमांड बढ़ गई है उसके बारे में बताया गया है, और तो कुछ खास यहाँ पे फ्रंट पेज पे नहीं है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे पेज नंबर 8 वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि हमें डिस्कस करनी है। यहाँ पे बात करिए राज सेवा अवार्ड को लेकर, राजोत्सव सेवा अवार्ड, तो ये देखिए राज उत्सव सेवा अवार्ड जो है ना ये कहां का अवार्ड है,
ये कर्नाटका का वार्ड है, कर्नाटका का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि इसको माना जाता है। पहला वाला कौन सा है? कर्नाटका रत्ना, फर्स्ट अवार्ड है आपके कर्नाटका रत्ना। कर्नाटका रत्ना के बाद में सेकंड सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, जो कि रिसेंटली दोस्तों फॉर्मर इसरो के जो चेयरपर्सन है के सिवन जी और कई सारे 67 और भी लोग हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये जो राज्योत्सव अवार्ड है ये कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिया है तो आप तो याद कर नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है, पेपर में पूछा भी जाने जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया है। हाँ, मतलब अभी यहाँ पे जो नंबर है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अभी तो यहाँ पे 90 लोग बताए गए हैं कि 90 लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन नंबर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, काफी लोगों को पता किया जा रहा है क्योंकि रिवर के अंदर है, तो मेरे ख्याल से नंबर 150-200 के आसपास पहुंच जाएगा। तो बहुत ही दुखद घटना है जो कि कल देखने को मिली। अब जरूरी है कि ये पता किया जाए कि जब इसको रिपेयर हो चुका था उसके बाद में भी 5 दिन बाद में किस तरीके से प्राइवेट कंपनी ने इसको रिपेयर किया है कि वो टूट गया, ये पता करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ी बात है यार, मतलब ऐसे ब्रिजेस गिरने लग गए तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो चुका है। कर्नाटका के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसूर पैलेस है, बहुत ही फेमस है, और ठीक है ये फॉल है यहाँ पे, इसको बोलते हैं शिवन समुद्रा फॉल, और इसके अलावा हौसले एम्पायर का एरिया बता रखा है वहाँ पे। ठीक है, और वेरुपक्षा टेम्पल है नीचे की तरफ, ये हम्पी है, काफ़ी फेमस फेमस साइट है जो कि आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी। इसके अलावा 1 नवंबर 1956 को फॉर्मेशन हुआ, इसलिए 1 नवंबर को ये अवार्ड है जो कि दिए जाते हैं। मैसूर स्टेट पैलेस को बोला करते थे, बेंगलुरु कैपिटल है, 31 इसके डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, लोक विधानसभा में 225 है, राज्यसभा की 12, लोकसभा की 28 सीटें हैं। थावरचंद गहलोत अभी यहाँ पे, थावरचंद गहलोत अभी यहाँ पे गवर्नर है, बोमई साहब यहाँ पे अभी सीएम बने हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे पर कैपिटल इनकम 2.25 लाख रुपए पर पर्सन पर ईयर है। कन्नड़ लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं जो कि अपना एक और एडिटोरियल पेज है जहाँ पे एक आर्टिकल आया है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे जो कि सुपरस्टिशन चीजों को लेकर है, एंटी सुपरस्टिशन लॉ को लेकर है। देखो रिसेंटली हमारे देश में आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोकल जगहों पे है ना बहुत सारे ऐसी तांत्रिक विद्याएं हैं जो कि चलती रहती है, और इसके अंदर बहुत इतना फर्जीवाड़ा होता है, मतलब हर आदमी मतलब बहुत ही हद लेवल पे आज के टाइम पे, मतलब लोग क्या करते हैं कि किसी को है ना मारने पीटने लगते हैं ये बोल के कि भाई इसको तो किसी गोस्ट ने क्या कर दिया है, इसको एक्सोनरेट कर दिया है, है ना एक्सरसाइज कर दिया है, इविल स्प्रिट आ गई है, तो लोग उसको मारने लगते हैं। इसके अलावा ये क्लेम करते हैं कि भाई सुपर नेचुरल पावर है इस आदमी के पास में, उससे हम ये बता देंगे कि कहाँ पे गोल्ड है, कहाँ पे डायमंड है, किस जगह पे छिपा हुआ है। कई लोग सेक्सुअल फेवर भी लेते हैं, बहुत बच्चा जो है वो बहुत तेजस्वी होगा, फलाना ढिमकाना, कई सारे बाबा लोग ऐसे काम करते हैं। उसके अलावा एडवर्टाइज करते हैं कि ये लॉकेट पहन लो 50 ग्राम का, ये पहन लो गले हाथ पे, ये कर लो, है ना, देखा होगा आपने कई सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस तरीके के दोस्तों डिस्प्ले करते हैं एंड लोगों को चीट करते हैं। इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर को सुपर नेचुरल पावर बताते हैं, है ना। इसके अलावा कई सारे मेडिसिन जो किसी के स्नेक बाइट हो गया, कुछ और चीज़ हो गई, उसके अंदर जो है लोगों को तांत्रिक के पास ले जाएंगे, पंडित जी के पास, और वहीं पर ही बंदा चले जाएगा, ओके, जबकि डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो क्या पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने देखा होगा कि मेजरली गांव के अंदर कई सारे जगहों के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसी एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करी जाती है। ओके, अब क्या है कि हमारे देश में ऐसा कोई लॉ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई भी लॉ तक नहीं है जिससे इन चीजों को बैन किया जा सके, जिससे इन चीजों को पनिश किया जा सके। समझ गए कि कोई अंधविश्वास कर रहा है तो अगर किसी को, मतलब अंधविश्वास की वजह से किसी की जान चली गई, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ऐसी कोई चीज जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसके वजह से किसी आदमी की जान जा रही है, तो इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज है जो कि होने चाहिए। तो अभी क्या हुआ था कि महाराष्ट्र की असेंबली ने ना, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही 2013 के अंदर एक बिल पास किया था ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके हार्मफुल सुपरस्टिशन वाली चीजों से, ओके, और ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, ब्लैक मैजिक, इन सब चीजों को रोका जा सके। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब क्या है कि यहाँ पे रिसेंटली केरला के अंदर ये इंसिडेंट देखने को मिला, केरला के अंदर एक दोस्तों लोकल जगह पे 2 महिलाओं को ब्रूटली मर्डर कर दिया गया सुपरस्टिशियस के नाम पे। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है आज के साइंस के एरा में, मतलब जहां पे दुनिया मेटा के ऊपर जा रही है, दुनिया एक चश्मा पहन के जो है वो अमेरिका में होने जैसा फील कर रही है 20,000 किलोमीटर दूर, वहां पे इस तरीके की घटनाएं आज भी देखने को मिल रही है।
तो ये जो किलिंग है ना, ये काफी कॉमन कई सारे रीजन में देखने को मिलती है, और कई सारे तो रिपोर्ट भी नहीं होते केसेस। 2021 में दोस्तों एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया था कि टोटल मिला के विचक्राफ्ट की वजह से 70 लोगों के मर्डर है जो कि हुए हैं। 68 दोस्तों यहाँ पे नंबर है जो कि उनके द्वारा बताया गया, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में तेलंगाना। केरला के अंदर भी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के केसेस देखने को मिले। 2020 में भी 88 डेथ है जो कि देखने को मिली, और उसमें से 11 तो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस की थी। मतलब कितनी अजीब बात है। तो क्या हमारे यहाँ पे कोई लॉ है? तो यहाँ पे कोई सेंट्रल लॉ जो है ना एक्सक्लूसिवली जो कि इस तरह के क्राइम से डील करे, अभी तक ऐसा नहीं है। विचक्राफ्ट, सुपरस्टिशन है ना, इंस्पायर्ड एक्टिविटीज होती है, तो एक एब्सेंस है भी नेशन वाइड लेजिस्लेशन की, जिसकी वजह से कुछ एक राज्य ने जो है वो अपनी तरफ से जो है इनके लॉज का फॉर्मेशन है जो कि किया है। जैसे कि बिहार दोस्तों पहला राज्य बना था जिसने इस तरीके का लॉ बनाया कि कोई भी अगर किसी को कोई टॉर्चर कर रहा है, इस तरीके से कुछ भी कर रहा है, तो उसको क्या होगा, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट अक्टूबर 1999 के अंदर ये आया था, तो उसको अमेंडमेंट करके अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है, तो उसके तहत जो कि उसको सजा मिलेगी, उसके अंदर 3 साल की सजा जो है प्रावधान है, ₹1,000 का फाइन। पहले तो 3 महीने का था, फिर उसको बाद में बढ़ा के और चेंज कर दिया गया। झारखंड की बात करें, 2001 के अंदर झारखंड के अंदर लाया था। छत्तीसगढ़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट है दोस्तों इन तरीके के क्राइम से, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी 2005 में इसको लाया गया। तो स्टेट के अंदर जैसे उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी बोला था कि हमें भी इस तरीके के बिल की जरूरत है, तो कई सारे राज्यों ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लाए हैं, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लाया गया। तो ये आर्टिकल जो है वो उसी चीज को डिफाइन करता है। अगर आप कोई मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पर ये तरीके का, इस तरीके का सवाल है जो कि काफी बनने की पॉसिबिलिटी है, जो कि बन जाती है, तो वहां पर आप ये अच्छा खासा कॉन्टेंट है जो कि लिख सकते हो। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 18 को लेकर। और देखो, मुझे मालूम है कि अपने अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी भी आई थी ना, कौन सी थी, एक नेटफ्लिक्स के ऊपर, एक दिल्ली के अंदर कांड हुआ था, दिल्ली के अंदर पूरे परिवार के लोगों ने, बहुत ही खतरनाक घटना थी, पूरे परिवार के लोगों ने खुद को टांग लिया था, हैंग कर लिया था, है ना, सिर्फ इस बात को, अटारी था, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं, जो भी था। तो उस वाले में भी तो यही था कि कई सालों तक, 5-10 साल तक वो एक स्पिरिट के ऊपर बिलीव करते गए, और फिर बाद में इतना बिलीव हो गया कि उन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया, और उनको लगा ये बचा लेगा, लेकिन कोई बचाने वाला था नहीं। तो इन चीजों से जितना दूर रहेगा ना, देखो माइट बी पॉसिबल कि 0.0001% पॉसिबिलिटी है कि आपको इस चीज से कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यकीन मानिए जितना आप इन चीजों में घुसते जाएगा ना, इंसान उतना घुसते ही चले जाता है, कोई सीमा कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका अंधविश्वास का कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब लोग हद तक बिलीव करते हैं। तो जितना आप अपने आप को डिस्टेंस बना के इन चीजों को दूर रखोगे ना, उतना ही लाइफ सॉर्टेड आउट रहेगी। समझ गए मेरी बात? तो इन चीजों में कभी नहीं पड़ना। हो सकता है बुरारी मर्डर केस, बुरारी फाइल्स करके नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी भी आई थी, बहुत ही सही डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, तो देख सकते हो आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। लोग अक्सर, पता क्या होता है, लोग इतने डरे हुए होते हैं ना अपनी जिंदगी से, तब इस चीज का फायदा उठाते हैं। आप एक बात मुझे बताइए कि कोई भी किसी भी पंडित मौलवी उसके पास क्यों जाता है? उसको अपने एक चीज की बहुत ही टेंशन होती है जिसको बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर की बड़ी टेंशन होती है, फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे यार, ये चीज छोटी से समझने की कोशिश करो कि आपके पास में प्रेजेंट है जीने के लिए, फ्यूचर किसी के पास में भी नहीं है, मेरे पास में भी नहीं है। कल का सुबह मैं अगर करंट अफेयर ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, आई डोंट नो, किसी को नहीं पता यार। ओके, तो फ्यूचर का जो है इतना लोड नहीं लेना है आपको, प्रेजेंट के ऊपर जीना है, प्रेजेंट को बेहतर करना सीखना है, प्रेजेंट बेहतर होगा फ्यूचर अपने आप हो जाएगा। ये जो सबसे बड़ा डर है ना, इसी के वजह से ये सारी चीजें होती है, इसका डर निकाल दो तो आपकी जिंदगी सॉर्टेड आउट हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 18। यहाँ पे जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, फीफा का अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप, जैसे कि आपको मालूम है इंडिया में हो रहा था, और हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था क्योंकि हम लोग होस्ट कंट्री थे, लेकिन कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, है ना। और स्पेन तो यहाँ ने दोस्तों वापस से कोलंबिया को हरा के जो है वापस से टूर्नामेंट है जो कि जीत लिया है। ओके, तो डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन ने कोलंबिया को हरा के फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप जो है दिवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर संडे को टूर्नामेंट करवाया गया और इसको जीत लिया गया। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार इसको 2008 में स्टार्ट किया गया, 16 टीमें खेलती है। स्पेन 2 बार चैंपियन है और 2 बार ही दोस्तों नॉर्थ कोरिया चैंपियन है जो कि बन चुका है। इस बार 2022 के अंदर जो इंडिया में हुआ है इसमें गोल्डन बॉल विक्की को मिला है, गोल्डन बूट जो है वो 3 प्लेयर्स को मिला है,
और गोल्डन ग्लव जो है वो सोफिया को मिला है जो कि जापान, और फेयर प्ले का अवार्ड जो है वो जापान को मिला है। फेयर प्ले का देखिए हमेशा जापान को मिलता हुआ है ना, तो काफी फेयर तरीके से जापान खेलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 19। यहां पे बात करें तो कल दोस्तों इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था, बहुत ही अच्छा मैच रहा। इंडिया ने काफी बढ़िया फाइट बैक किया, पर्थ के अंदर ही मैच था। एक्चुअली जो पर्थ का पिच है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पिच है जो कि माना जाता है, वहां पर रन नहीं बनते हैं। साउथ अफ्रीका कंडीशन और पर्थ की कंडीशन काफी सिमिलर है, तो साउथ अफ्रीका को एक एडवांटेज था उस पिच के ऊपर, इस वजह से हम लोग ज्यादा खेल नहीं पाए, 133 रन बनाए। और लेकिन बहुत अच्छा जो है वो इंडिया ने कमबैक किया, बहुत अच्छा फाइट किया, लास्ट ओवर तक ये मैच है जो कि चला, और एंड ऑफ द डे एक अच्छा गेम है जो कि एक ऑडियंस डिजर्व करती है वो उसको मिला है ना। तो कल इंडिया मैच हार गए, लेकिन काफी अच्छे चांसेस है अभी भी सेमीफाइनल में जाने पे। दोनों में से दो मैच है, दो टीमों के साथ में मैच है, दोनों जीत जाएगी तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। यहां पे बात करेंगे दोस्तों सत्विक और चिराग के बारे में, तो आप देख सकते हो सत्विक और चिराग दोस्तों दोनों ने मिलकर अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट टाइटल है जो कि जीता अभी, फ्रेंच ओपन सुपर 750 दोस्तों क्राउन है जो कि स्ट्रेट गेम के अंदर चाइनीज प्लेयर को हरा के जीत लिया है। वर्ल्ड की दोस्तों एक नंबर की ये पेयर है जो कि माना जाता है आज के टाइम पे, काफी अमेजिंग प्लेयर है दोनों। तो दोनों ने यहाँ पे फ्रेंच ओपन जो सुपर 750 क्राउन जो टूर्नामेंट होता है इसको जीत लिया, पेरिस में इसको करवाया जाता है। आगे बात करते हैं, आज 31 अक्टूबर है, आप सभी को मालूम है दोस्तों हमारे पटेल साहब का बर्थडे है ना, नेशनल यूनिटी डे जो हम लोग मनाते हैं, और साथ में मार्टिरडम डे भी माना जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी जी की डेथ याद की जो मर्डर है वो भी आज ही के दिन पे किया गया था। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों हम लोग नेशनल यूनिटी डे तो मनाते ही हैं, लेकिन हम लोग एक करप्शन फ्री कंट्री बनाने के लिए एक पूरा वीक है जो कि काम करते हैं है ना, तो इसलिए हम लोग इसको एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी दोस्तों मनाते हैं। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में दोस्तों ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक है जो कि मनाया जाता है ना, नेशनल यूनिटी डे के दिन के टाइम पे दोस्तों इसकी शुरुआत है जो कि करी जाती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है चलो। हाँ, तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, थीम करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, ये थीम है जो कि इस बार की रखी गई है। किसके द्वारा दोस्तों ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक है जो कि मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करूं दोस्तों तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि देश में जो भी सरकारी आदमी है जो कि करप्शन कर रहा है उसको पकड़ा जाए, चाहे वो आईएएस हो आईपीएस हो कोई भी हो, चाहे वो डजंट मैटर। तो सीबीसी का जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो सेटअप किया गया था वो 1964 में किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी दोस्तों संथानम कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि देश के अंदर एक ऐसी कमेटी कमीशन है जो कि होना चाहिए। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, सतर्कता जारी करने के लिए कमीशन बनाया गया, स्टैचुरी बॉडी है दोस्तों। और ये कैसे काम करती है, प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट है ना 2003 के अंदर जो लॉ है उसके तहत ये काम करती है। सीबीसी एक्ट भी दोस्तों लाया गया, ये कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर में काम नहीं करती है, बोला जाता है कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है, समझ गए मेरी बात, और सिर्फ पार्लियामेंट के रेस्पॉन्सिबल है जो कि होती है। मल्टी मेंबर कमीशन है, ठीक है, मल्टी मेंबर कमीशन है जिसमें एक तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है और दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, एक तो चीफ होता है और दो विजिलेंस होते हैं। चीफ को इनको जो अपॉइंट किया जाता है तीन लोगों को, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ओके। और कौन लोग सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए कमिटी होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयरपर्सन, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो तीन लोग है जो कि इसकी कमिटी में होते हैं, तीन लोग है जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन तो सीबीसी बनेगा, कौन मेंबर्स बनेंगे, ठीक है। टेन्योर के बारे में बात करें तो या तो 65 ईयर या फिर 4 साल, जो भी पहले हो जाए वो आपका रिटायरमेंट का टेन्योर है जो कि इसके अंदर माना जाता है। सबसे पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बनाए गए थे दोस्तों, एनएस राव साहब बनाए गए थे 1964 में, है ना। आज के टाइम पे जो 20th और जो लेटेस्ट है उनका नाम क्या है, सुरेश पटेल, सुरेश पटेल है जो कि अभी 2021 के अंदर बनाए गए थे, लंबे टाइम तक 2024-25 तक ये रहने वाले हैं। हालांकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कुछ इतना काम कर नहीं पाता बेचारा, क्योंकि गवर्नमेंट के ज्यादा मतलब तीन लोग में से दो लोग तो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर, दो तो 2:1 हो जाता है मतलब कमेटी में,
तो अपने ही पर्सन बनता है तो फिर वो ज्यादा कुछ जांच इंक्वायरी कर नहीं पाता है, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। साथ में इसी टाइम पे दोस्तों एक इंडिया वाटर वीक भी मनाया जाता है, 1 से 5 नवंबर नोएडा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, थीम रखी गई है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, ये थीम है जो कि रखी गई है इंडिया वाटर वीक 1 से 5 नवंबर के बीच में। इसी प्रकार से वर्ल्ड वाटर वीक भी मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं दोस्तों 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। सीइंग द अनसीन, ये थीम है जो कि रखी गई थी। साथ में वर्ल्ड वाटर डे के बारे में बात करें तो ये कब आता है, 22 मार्च को दोस्तों ये मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ग्राउंड वाटर के ऊपर इस बार थीम है जो कि रखी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर। ये क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, रिसेंटली दोस्तों जो झारखंड के जो सीएम है उनको अक्यूज किया गया था कि उनके पास में काफी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो उनको अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या होता है कॉन्सेप्ट कि कोई भी सरकारी आदमी, इट इज नॉट ओनली अबाउट एमपी एंड एमएलएज, इट इज अबाउट ईच एंड एवरीवन हु इज एनरोल्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। कोई परमानेंट बेसिस के ऊपर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, सरकारी उसको सैलरी मिल रही है, तो उसको काम करने के लिए सरकार के लिए मिल रही है। अगर वो कोई साइड बाय साइड बिजनेस कर रहा है या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे उसको किसी प्रकार का प्रॉफिट मिल रहा है तो उसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जो कि कहा जाता है, जो कि अलाउ नहीं है। समझ गए, किसी भी तरीके से अलाउ नहीं है, क्योंकि सरकार आपको 8-10 घंटे काम करने का पैसा दे रही है तो वो ये उम्मीद करती है कि आप 8-10 घंटे उनके लिए काम करोगे जो सैलरी मिल रही है। तो अगर आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो, दूसरा काम कर रहे हो जहां से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में माना जाता है। इससे सरकारी नौकरी भी जा सकती है अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दे तो, अगर कोई प्रूव कर दे तो। लेकिन नॉर्मली प्रूव नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक्स आदमी है जो कि गवर्नमेंट के साथ में जॉब कर रहा है, तो क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए एक्स आदमी किसी प्राइवेट के साथ में भी काम कर रहा है तो फिर जो सैलरी है वो एक्स अकाउंट में नहीं आती है, वो वाई अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है प्राइवेट कंपनी के द्वारा, इस आदमी की सैलरी किसी और के अकाउंट में। अब किसी के और के अकाउंट में आएगी तो फिर ऑब्वियसली कोई प्रूफ तो कर नहीं पाएगा कि ये आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का काम कर रहे हो। इस तरीके से जो है सारे के सारे गवर्नमेंट में जो लोग हैं जो प्राइवेटली भी काम आज के टाइम पे बहुत जगह पे करते हैं। ठीक है, चलिए ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आर्टिकल 102 और 191 दोनों के अंदर ये बात बोली गई है। हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है संविधान में, लेकिन ओवर द ईयर जो केसेस हुए हैं उससे जो है हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसको माना जाएगा, किसी को नहीं माना जाएगा। ठीक है गाइस, तो ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये एक आर्टिकल 191A और आर्टिकल 102 फर्स्ट के अंदर है जो कि लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेशियो, LAF। इसको क्या होता है ये LAF दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। देखो क्या होता है कि कई बार बैंकों को है ना इमरजेंसी के अंदर अर्जेंट जो है लिक्विड मनी चाहिए होता है, कैश है जो कि चाहिए होता है। कब चाहिए होगा, जब लोग ज्यादा कैश निकालेंगे बैंकों से। लोग ज्यादा कैश कब निकालते हैं, फेस्टिवल के टाइम पे। तो दिवाली के टाइम पे दोस्तों मार्केट में काफी बैंकों को कैश की जरूरत थी, तो बैंकों ने क्या किया, RBI से डिमांड करी कि हमें लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जो कि अवेलेबल करवाई जाए। ये लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या होता है कि आपको कैश मनी RBI देता है बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये पैसा दिया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों RBI क्या कर लेता है, हाई रेट है जो कि वसूल लेता है बैंकों से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो RBI ने दोस्तों 72,000 करोड़ रुपए है जो कि अभी लिक्विडिटी के तौर पे बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज करें, क्योंकि दिवाली के टाइम पे दोस्तों काफी ज्यादा लिक्विड मनी की जरूरत थी। ठीक है, तो उसको रेडीली अवेलेबल कैश जो कि माना जाता है शॉर्ट टर्म बिजनेस और फाइनेंशियल नीड के लिए, ये पैसा इन्फ्यूज है जो कि बैंकिंग सिस्टम में किया जाता है। ओके गाइज, तो ये LAF जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ही डिसाइड किया जाता है। नरसिम्हन कमेटी थी, उन्होंने 1998 के अंदर बैंकिंग जब रिफॉर्म लेके आए थे उस टाइम पे इसके बारे में बात करी गई थी कि अगर अर्जेंटली बैंकों को पैसा चाहिए तो RBI से वो ले सकता है, तो वो क्या करेगा, LAF के तौर पे लेगा। LAF के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो रेपो रेट होती है जब RBI बैंकों को पैसा देता है, एक रिवर्स रेपो रेट होती है जब ज्यादा पैसा चले जाए तो RBI बैंकों से वापस पैसा खींच लेता है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इस तरीके की दो फैसिलिटी होती है। मोटिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि हमारे इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करते हुए ग्रोथ जो है हमें आगे बढ़ानी है, उसी को कहते हैं। समझ गए, कई सारे इसके मॉनेटरी पॉलिसी के पैरामीटर्स होते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को कैश रखना जरूरी होता है। पता लगा सारे बैंकों ने लोन में बांट दिया, अब जब कैश लेने गए
बैंक में, तो बैंक वालों ने बोला नहीं नहीं अभी नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा। आप बोलोगे भाई ये क्या तरीका है, मैंने तो घर पे कैश रख लेता इससे बढ़िया तो मैं। तो बैंकों को कुछ परसेंट 4% टाइप जो है वो हमेशा अपने पास में जो भी टोटल मनी है उसको कैश में रखना पड़ेगा, उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। उसी प्रकार से SLR होता है, बैंक रेट और ये सारी चीजें होती है जो कि मैं कई बार पहले पढ़ा चुका हूँ है ना बैंकिंग के उसमें टॉपिक में। आप लिखिएगा अगर आपको पूरा जानना है तो मॉनेटरी पॉलिसी भुवनेश, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए तो अभी आज के टाइम पर रेपो रेट है 5.90, इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.65 और बैंक रेट 6.15। ये लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है लोन इसमें, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है 1 महीना टाइप के लिए। रिवर्स रेपो रेट 3.35, कैश रिजर्व रेशियो 4.50 और SLR जो लिक्विडिटी रेशियो है वो 18% के ऊपर। और ये देखिए एक्सचेंज रेट बहुत ही खतरनाक, डॉलर रुपी वे आज $1.82 का हो चुका है, मतलब यूरो और डॉलर के अंदर कोई फर्क ही नहीं बचा है, दोनों बराबर चल रहे हैं। पाउंड जो है वो 95 का है, जैपनीज येन 100 जैपनीज येन हमारे 56 रुपए के बराबर है, तो जापान की करेंसी जो येन है वो थोड़ी कम है हमसे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम बाय आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों फार्मर्स की नीड के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है और उनकी प्रॉब्लम के लिए भी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि बनाया गया है। तो अभी क्या हुआ है कि RBK वो क्या कर रहे हैं कि एक कोई भी एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे सीड की क्वालिटी, फर्टिलाइजर, एनिमल के फीड, सारी की सारी जानकारी जो है वो एक ही जगह पे मिल जाए। कोई भी फार्मर जो है ना वो इक्विपमेंट को हायर कर सकता है, जैसे ट्रैक्टर चाहिए पार्ट टाइम के लिए वो ले सकता है ना, बेच भी सकता है, अपने सामान भी बेच सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे करी गई है। तो यहाँ पे क्या है, RBK क्या है, ये एक्चुअली है रायतु भरोसा केंद्राज, तो ये केंद्र है रायतु भरोसा केंद्राज, ये केंद्र है जो कि बनाए गए 10,000 के आसपास, जहां पे किसान से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। हर एक गांव को ई क्रॉप भी किया जाएगा और जियो टैग किया जाएगा। 13,500 रुपए पर एनम फार्मर को जो है वो अवेलेबल भी करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों नाडू नेडू प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था स्कूल के अंदर, ताकि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सके। आपको मालूम है आंध्रा के जो CM है वो भी दिल्ली गए थे, उन्होंने भी दिल्ली के स्कूल को स्टडी किया था, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा रहा है, मिड डे मील न्यूट्रिशन की जा रही है ना, विद्या कनाको का कानुका किट है जो कि बच्चों के लिए दी जा रही है, जिसमें बैग बुक्स ये सब अवेलेबल होंगे। बायजू के साथ टाइप किया गया है क्लास 4 के कोर्सेज के लिए। मदर को भी इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 रुपए पर ईयर न्यूट्रिशन के लिए अम्मा वोडी स्कीम के तहत। हायर एजुकेशन के अंदर 100% फी रिएम्बर्समेंट करी जाएगी 20,000 रुपए तक, है ना, अगर कोई गरीब बच्चा है तो। डिजिटल इंटरफेस गांव में अवेलेबल करवाया जाएगा, टीचिंग हॉस्पिटल्स होंगे, ये सारी चीजें हैं जो कि इनके द्वारा करी गई है। आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों टारगेट टू डबल क्रूड स्टील प्रोडक्शन। तो देखो किसी भी देश की जो बैकबोन होती है ना डेवलपमेंट की, वो क्या होती है, स्टील होती है। ये बैकबोन होती है क्योंकि स्टील के बिना तो किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग आपको मालूम है इंडस्ट्री, उसी से नौकरी बनती है, उसी से लॉन्ग टाइम ग्रोथ होती है, उसी से GDP बढ़ती है मेजरली, है ना। तो सबसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे नौकरी को इतनी समस्या क्यों है, हम लोग इतना पीछे क्यों है डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों हमारे GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। आज के टाइम पे दोस्तों बांग्लादेश का मैन्युफैक्चरिंग का उसके GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 21% के आसपास है, चाइना का देखोगे तो कोई 26% के आसपास है, हमारे यहाँ पे देखो तो अभी कितना है 14-15% के आसपास हम लोग घूम रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए स्टील प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ने दोस्तों टारगेट किया है कि वो क्या करेगी, 2x करेगी दोस्तों स्टील के प्रोडक्शन को, समझ गए। अभी हम लोग 154 मिलियन टन पर एनम प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम लोग 300 मिलियन टन पर एनम है जो कि आने वाले 10 सालों में करेंगे। हालांकि नंबर वन पे दोस्तों चाइना है, सेकंड नंबर पे जापान को छोड़ के हम ही लोगों ने जो है वो स्टील प्रोडक्शन में जगह बनाई थी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस बहुत ज्यादा है और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, समझ गए। तो देश में इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने के लिए शिपिंग, रेलवे, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, सबके लिए स्टील की जरूरत है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग हमारे GDP में जो है ना 1.5 गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी अगर हम लोग इसको कर लेंगे तो, ओके। और एम्प्लॉयमेंट भी हमारे नियर बाय 7 गुना हो जाएंगे अगर हमने 10 गुना है जो कि अगर हमारे स्टील के प्रोडक्शन को मतलब डबल है जो कि 10 सालों में कर दिया तो। तो नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में हम लोग लेके आए थे, PLI स्कीम भी लेके आए हैं ताकि स्टील के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिले, स्टील स्क्रैप पॉलिसी भी लेके आए, मॉनिटरिंग सिस्टम भी लेके आए, ओके। ये सब भी हम लोगों ने किया लेकिन अभी भी हम लोग काफी पीछे हैं। देखोगे अगर आप तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है, उड़ीसा में, सेकंड नंबर पे झारखंड है, तीसरे के ऊपर छत्तीसगढ़ है, एंड सो ऑन।
तो मेजरली अगर आप देखोगे तो ये हमारे सेंट्रल और सदर्न राज्य हैं जहां पे स्टील का प्रोडक्शन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी दोस्तों अगर आप देखोगे मेजरली सदर्न स्टेट्स में इसीलिए ज्यादा हो रही है। अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो नॉर्थ इंडिया का तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 10% भी नहीं है, साउथ इंडिया का ज्यादा है। टोटल हमारा 14-15% है उसमें साउथ इंडिया, क्योंकि मेजरली स्टील यहीं पर ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो जहां पर स्टील होगा वहीं पर ही क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी वहीं पर नौकरियां होगी। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो नौकरियां इस वाले रीजन में ज्यादा हो जाती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो मेजरली प्लांट है बोकारो, दुर्गापुर, रुड़खिला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विश्वविद्यालय, सलेम, ये सारे के सारे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे यहाँ पे दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें तो बहुत ही पहले के टाइम से हमें यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है मैरोली पिलर, याद है? ठीक है, वहां के टाइम से दोस्तों हम लोग स्टील है जो कि काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहली बार 1830 के अंदर तमिलनाडु में एक फैक्ट्री लगाई गई थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद में दोस्तों काफी बाद में टिस्को प्लांट है जो कि सेटअप हुआ 1907 में जमशेदपुर के अंदर। ये हमारे जमशेद जी का ही दोस्तों विजन था कि उन्होंने कोस्टल एरिया में नाव के बीच में जो है वो एक स्टील इंडस्ट्री खोली, जो कि उस टाइम पे ब्लंडर बताया जा रहा था, लेकिन जो फैसिलिटी और जो काम किया गया जमशेद जी के द्वारा बहुत ही खतरनाक। और आज आपको मालूम है पूरा शहर उनके नाम पे बसा हुआ है, इतने लोगों को नौकरियां मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सुबर्णरेखा और कारकेई रिवर है, उसके कन्फ्लुएंस पे दोस्तों इसको सेटअप कर रखा है। ठीक है, रिसेंटली आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो भी 1919 में सेटअप करी गई मैसूर स्टील वर्क्स में, और भी बहुत सारे सेटअप है जो कि करी गई उसके बाद में। इसके अलावा करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें तो स्पिरिचुअल लीडर माता जो है अमृता नंदमाई, उनको चेयर पर्सन है जो कि C20 का बनाया गया है, है ना? C20 क्या है? G20 की मीटिंग होती है जिसमें सिविल 20 ये इसके अंदर ग्रुप में इंगेज होते हैं। इसके अलावा युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के द्वारा दोस्तों चाइना के इंडिया बॉर्डर पे किया जाएगा उत्तराखंड में। विश्वास स्वरूपम एक ये अपने दोस्तों शिवाजी का स्टैचू है जो कि बनाया गया है कहां पे, नाथद्वारा के अंदर, राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ा स्टैचू है जो कि ये शिव जी का पूरे देश का राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों नाथद्वारा में बनाया गया है। इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है फर्स्ट इंडिजीनियस जो है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को दोस्तों मेजर करेगा, तो ये हमारे लिए द्वारा बनाया गया है। वोकैबुलरीज की बात करें तो स्ट्राइप का मतलब है क्लैश करना, कंट्रोवर्सी होना, क्लिंच का मतलब है कि किसी चीज को फाइनलाइज करना, रेनेगेट का मतलब है डिसलॉयल जो पर्सन होता है उसको कहते हैं जो कि बिट्रे करता है किसी को, और स्टैश का मतलब है हाइड होना। ठीक है, वेंटॉन का मतलब होता है जब आप बहुत ही गलत तरीके से किसी के साथ बिहेव करते हो। ठीक है, फन फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो हमें आपको मालूम होगा कि मून का एक ही फेज हमें देखने को मिलता है ना? मून का जो डार्क साइड है वो कभी हमें देखने को ही नहीं मिलता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है टाइडल लॉकिंग, कि हमारे अर्थ और मून वो दोस्तों सेम स्पीड से घूम रही होती है, उसकी वजह से हम लोगों को सिर्फ एक ही फेज है जो कि मून का देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मून घूमता नहीं है, मून भी घूमता है, लेकिन हमारी स्पीड के सेम की वजह से वो हमें घूमता हुआ नजर नहीं आता है और हमें डार्क साइड उसकी नजर नहीं आती है। करंट अफेयर की बैच की बात करें 499 रुपीज में आप क्लास 24 पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक साल का करंट अफेयर दोस्तों इंडिया के सभी एग्जाम के लिए मैं कवर करवा रहा हूँ। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। एग्जाम स्पेसिफिक सेशन है जो कि ये होता है। ओके, और दोनों लैंग्वेजेस में इसको आप कवर कर सकते हैं। साथ में ब्रह्मास्त्र और FCI का बैच भी दोस्तों आप लोगों के लिए Tier 1 Tier 2 के लिए अवेलेबल है मात्र और मात्र 2000 रुपए के अंदर, जहां पे इंडिया की बेस्ट SSC की टीम आपको यहां पे क्लासेस अवेलेबल करवा रही है। Class 24 की ऐप पे जाइएगा, SSC में जाइएगा, यहां पे आपको ब्रह्मास्त्र और सारे सब्जेक्ट के भी कोर्सेज आपको यहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, और यहां पे आप कोर्स में जाके इसके बारे में डिटेल भी जान सकते हैं। ठीक है, साथ में CGL की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, एक फ्री टेस्ट देके देखिएगा। ठीक है, चलिए PDF के लिए Class 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। स्माइल फॉर ऑल को आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बच्चे के एजुकेशन स्पॉन्सर करके। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 500 रुपये पर मंथ में आपको फी रिसीट, आपको उस बच्चे के अटेंडेंस, प्रोग्रेस रिपोर्ट सब कुछ आपको मिलेगी, या फिर एक आप वॉलंटियर भी बन सकते हैं। साथ में आज का पहला सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मटीरियल कौन सा है। सेकेंड है जो कि आपके टॉप मोस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है। तीसरा सवाल है RBK कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च करी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों कौन से महीने में 72,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करे हैं बैंकिंग सिस्टम में, और LAF नरसिम्हन कमेटी जो है उसका रिफॉर्म कब हुआ था ये आपको बताना है।
तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा गाइस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। वापस से मिलेंगे 11 बजे वाली पेड क्लास के अंदर, जो कि अपने करंट अफेयर की है, ठीक है। और एक और खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ कल के दिन। आप लोगों को बताऊंगे मैं, चलो बता देता हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों एक नया यूट्यूब चैनल है जो कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लर्न विद भुवनेश सर, ठीक है। ये नया YouTube चैनल है जो कि आपको कल से यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा, जहां पे हम लोग डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। बेस्ट बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए आपको, ओके, आपके लाइफ को लेकर, है ना, बहुत चीजों को लेकर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मेडिटेशन को लेकर, ओके, यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेकर, लाइफ की लर्निंग्स को लेकर बहुत चीजें हैं जो कि हम लोग इसके ऊपर कवर करने वाले हैं। तो ये चैनल जो है आपको कल से यहाँ पे एक वीडियो है जो कि मिलेगा डेली, एक तो मिलेगा करंट अफेयर का टॉपिक कवर करेंगे, ओके, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और एग्जाम स्पेसिफिक होगा बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। साथ में दोस्तों और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर में नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, तो ज्वाइन करिएगा, काफी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।